अस्सलाम वालेकुम, सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम जूम इन और जूम आउट ऑफ ए पेज का यूज करना सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। इस वक्त हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें अगर हम जो के 120% पर अभी जूम है, अगर हम जूम आउट यानी के कम करना चाहते हैं इसको, यानी के इस परसेंटेज को, तो जूम आउट माइनस पर जैसे क्लिक करेंगे तो जूम आउट होता चला जाएगा। तो ये 50% पर जब आएगा तो ये दो डॉक्यूमेंट जो दो पेजेस है, दो पेजेस शो कर रहा होगा। इस तरीके से 40% पर 4 पेजेस शो कर रहा है, और 30% पर 6, और 20% पर मजीद क्या है, अगर 10 पेजेस होते हैं तो 10 पेजेस शो हो रहा होता। इस तरीके से आप जितना जूम आउट करेंगे वो उतना ही छोटा होता चला जाएगा। इस तरीके से अगर आप जूम इन करना चाह रहे हैं तो जूम इन करते जाए तो वो बड़ा होता जाएगा। मैं इसको 120 पे लाकर छोड़ देता हूँ। इस तरीके से आप यहाँ से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर कंट्रोल की प्रेस रखे और माउस का स्क्रॉल अप करे तो वो जूम इन होता जाएगा। ये देख रहे हैं कि जूम इन होता जा रहा है, और माउस का स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जूम आउट होता जाएगा। देखिए कितनी जल्दी जूम आउट हो गया। माउस कंट्रोल की प्रेस कर माउस के जो स्क्रॉल है उसको अप करें तो जूम इन होता जाएगा। इस तरीके से आप इसको देख भी सकते हैं कि कितना जूम आप कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप जूम आउट करना चाहें कंट्रोल प्रेस कर स्क्रॉल डाउन करते जाए तो ये जूम आउट होता जाएगा। देखिए दोस्तों कितना जबरदस्त ऑप्शन है जूम इन और जूम आउट का। आप माउस कंट्रोल प्रेस कर माउस का भी यूज का स्क्रॉल यूज कर सकते हैं और यहां से भी यूज कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।